और हिंदू धर्म के लोगों को बहला फुसला कर ईसाई धर्म में कन्वर्ट कराया जा रहा है। तो नेम लगाया जाता है, धर्म बदलते हैं, धर्म बदलते हैं। देखो मेरा नाम भी बजिंदर सिंह है, मैंने आज तक क्यों नहीं जो है उस नाम को चेंज कर लिया। मेरे कहने का मकसद ये है कि यहाँ कोई किसी का धर्म नहीं बदला जाता, सब अपनी आस्था के कारण आते हैं, जो हर एक धर्म के अंदर ये कानून। मसीह की कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, परमेश्वर के बीच अपने वचन प्रार्थना के द्वारा जीवन जी रहे होंगे। वीडियो को देखना, आज एक विषय के बारे में वीडियो कर रहे हैं जो कि परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। चारों तरफ एक ही नारा है, धर्म परिवर्तन, चंगाई छुटकारा, धर्म परिवर्तन। कोई ओकेशन, कोई बर्थडे, धर्म परिवर्तन। अगर हम एक साथ हो गए तो धर्म परिवर्तन। मेरे भाई इस वीडियो को देखे, आज हम आपको सच्चा धर्म परिवर्तन दिखाएंगे। तो वीडियो को देखना और अपनी राय देना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और हिंदू धर्म के लोगों को बहला फुसला कर ईसाई धर्म में कन्वर्ट कराया जा रहा है। तो इसी की शिकायत पर जब पुलिस ने उस ठिकाने पर रेड की तो कई सारे कमरों में सैकड़ों लोगों को पाया और उसमें हर कमरे में लगभग इसी तरीके की प्रार्थनाएं चल रही थी। वो ये बोलते हैं कि हम या तो पैसों के। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैं क्वेश्चन को आंसर देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग डाउट में हैं, जैसे हमारे क्रिश्चियन समाज के ऊपर, हमारे पास्टर, विश्वासियों सबके ऊपर ब्लेम लगाया जाता है, धर्म बदलते हैं, धर्म बदलते हैं। देखो मेरा नाम भी बजिंदर सिंह है, मैंने आज तक क्यों नहीं जो है उस नाम को चेंज कर लिया। मेरे कहने का मकसद ये है कि यहाँ कोई किसी का धर्म नहीं बदला जाता, सब अपनी आस्था के कारण आते हैं, जो हर एक धर्म के अंदर ये कानून है कि जिसकी आस्था होगी तो वो वहाँ जा सकता है। सब लोग यहाँ अपनी आस्था को लेकर आते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने बाइबल के अंदर कहा, ये क्लियर यहाँ पर मत्ती की किताब में, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। इसका मतलब ये है कि वो कहता है कि चाहे कोई बीमार आए, चाहे कोई कुछ आए, तुम्हें उसके लिए प्रार्थना करना है। ये हमारा एक कर्तव्य है कि हम यीशु मसीह के वचन के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति ये बोलता है कि लाओ जी हम पेशेंट ले आते हैं, चंगा करके दिखाओ। हम तो इंसान हैं, हम भगवान थोड़ी हैं, हम परमेश्वर थोड़ी हैं, हम तो एक भक्त हैं उसके। हम जो हमें एक परमेश्वर ने जो हमें परमेश्वर ने जो है एक बख्शीश दी है, जैसे आपके हिंदू धर्म में बोला जाता है, किसी भी समाज में बोला जाता है बख्शीश, तो वो बख्शीश हमें मिली है कि परमेश्वर हमें ने आशीष दी है कि हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग चंगे हो जाते हैं। मतलब ये तो उसकी आस्था के कारण है। बाइबल बोलती है, कह रहा है कि तीन लोगों का विश्वास, कह रहा है एक प्रार्थना करने वाले का विश्वास, एक बीमार को लाने वाले का विश्वास और एक बीमार का विश्वास देखा जाता है। एक पादरी का विश्वास है ना, देखो आप कल्ला उसका विश्वास भी देखो ना, क्योंकि बाइबल बोलती है जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। मतलब कि जो आप विश्वास के कारण जो भी कोई आएगा, तो जिसके घर में कोई आशीष मिलेगी तो हो जाएगा। मैं खुद, मेरी मम्मी को प्रॉब्लम थी, तो जब वो उसके लिए एक प्रार्थना की किसी व्यक्ति ने, पास्टर ने, और आज से 11 साल पहले वो बिल्कुल ठीक होगी। मैं उसी समय, अब मेरी माँ को कौन रोक दे, मेरी माँ ना कोई, मेरी माँ कहीं चर्च जाती ना कहीं कुछ करती, घर बैठ के यीशु मसीह का नाम लेती है, बोलती है कि मैं तो उसका नाम लूंगी। मतलब तरनतारन पट्टी में कांड हुआ, ददुआना में कांड हुआ, उसके बाद बिशप हाउस, जो जलंधर के बिशप हैं, वो अमृतसर जाते हैं और वो कहते हैं कि जो ये चर्चेस हैं, जैसे आपकी हो गई या मुला जी की हो गई या कोई और हो गई, ये हमारा हिस्सा नहीं है। नहीं, वो सब हमारे भाई हैं आपस में। एक बार ऐसा भी हो जाता है, कई घर में तीन भाई रहते हैं, आपस में लड़ पड़ते हैं, तो इनको हम क्या कर सकते हैं ना, चक्कर ही है। पिछले दिन एक बच्ची को लेके काफी हिंसक अलग अलग पोर्टलों पे खबर भी इतनी असलियत की है। हाँ देखो, मेरा काम है प्रार्थना करना और मैं तो प्रार्थना करके वापिस चला जाता हूँ, ठीक है ना। मैं उस दिन भी प्रार्थना कर रहा था, मैं कभी स्टेज के ऊपर से प्रार्थना करता हूँ, और क्या है, हमारा ऑनलाइन चलता है, आप लाइव देख सकते हो, ठीक है ना। कि और दूसरी बात, जिनके लिए हम ले एंड प्रे करते हैं, क्योंकि यहाँ यीशु मसीह ने बीमारों के ऊपर हाथ रखा और चंगे हो गए। हमारा काम ना, हम किसी से पैसे लेते ना, हम किसी को ये शिक्षा देते, कहीं ना कहीं नाम आया है ना पैसे, ये वो नाम इसलिए आते हैं क्योंकि कई लोग हर तरह से प्रोपेगंडा रच रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं रोटियां सेक रहे हैं लोग समाज में अलग अलग तरीके से। देखो ना, मैं, मेरे पॉलिटिकल भाई भी मेरे साथ हैं, मेरे खुद रिश्तेदार पॉलिटिकल हैं, मैं किसके बारे में कहूँ? मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि वो उनका काम है, मेरा तो काम है उनके लिए दुआ करना, परमेश्वर उन्हें बुद्धि दे, क्योंकि यीशु मसीह को बदनाम किया, आज वो हमें कर रहे हैं, कल को वो भी प्रभु को विश्वास करेंगे। बोला जा रहा है कि 65,000 रुपया लिया, बोला है उनको कि आपकी बेटी के लिए अलग तरह की प्रार्थना करनी है। देखो मेरे को दुख है उस बात का कि
उसके घर में कोई ऐसा डेथ हो गया, प्रॉब्लम हो गया, लेकिन उसने खुद बयान में दिया हुआ है कि वो लड़की जो है एम्स हॉस्पिटल में बीमार थी, डॉक्टर ने बोला कि भाई उसकी उम्मीद नहीं है, आप ले जाओ। वो खुद कह रही है कि मैं तो आस्था के अनुसार आई थी। आप उस वीडियो को ध्यान से नहीं सुन रहे, उस वीडियो में देखो वो गेट के बाहर सिर्फ ये कह रही है कि मुझे प्रॉफिट जी से मिलाओ, और प्रॉफिट जी से मिलाओ। उन्होंने कहा प्रॉफिट जी तो है नहीं, यहाँ पे चले गए। तो वो कह रही है कि मुझे जैसे विश्वास है। उसने कहा क्यों मिलना चाहते हो आप? उसने कहा कि जैसे लाजर को जिंदा कर दिया यीशु मसीह ने, तो ऐसे ही मेरा विश्वास है कि पास्टर जी हाथ रखेंगे, मेरी बच्ची जिंदा हो जाएगी। उसमें मेरा तो कोई रोल ही नहीं, वो मेरे को मिली नहीं, वो मेरे से मिली नहीं। तो वो कैसे कह रही है 65,000 रुपए ले लिया, वो बेबुनियाद है सब। उनका परिवार यहाँ पर कितनी देर से आ रहा था? नहीं, इस बारे में मैं नहीं जानता। हजारों लोग आते हैं यहाँ पे, लाखों लोग आते हैं, मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ। सबका बायोडाटा नहीं है, मतलब कि मैं जानता नहीं इस बारे में, क्योंकि लोग आते जाते हैं। अभी आज कॉन्फ्रेंस हो रखी है, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस में तमाम पास्टर पार्टी यहाँ पे पहुंचे हैं। कल तमाम राज्य में अलग अलग डीसी को मान पत्र दिया जाएगा, उसके बाद कोई रणनीति निकाली जाएगी वो एक्चुअली क्या है कि हमारे पास्टर हैं, चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं, ये हमारी ये कमेटियाँ हैं। ये मतलब कि ये इसी चर्च की कमेटी नहीं इकट्ठी हुई है, ये पूरे इंडिया से ही इकट्ठी हुई है। ये पूरे पंजाब की कमेटी है, और उसके बाद एक इंडिया की हम कमेटी को भी रखेंगे, और पूरे वर्ल्ड की भी रखेंगे। ये तीन स्टेप में हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक नहीं करेंगे। अभी तो ये पंजाब की है, और हमारा प्लान चल रहा है अभी इंडिया में भी रखेंगे हम, फिर उसके बाद हम पूरे वर्ल्डिज्म में भी रखेंगे हम। तो ये वो काम उनका है, वो काम ना इनका है कि हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा काम तो है प्रार्थना करना, क्योंकि ये हम किसी को गलत गाइड नहीं हम करते। तरफ से ये बोला जा रहा है कि चर्च में जो लोग जाते हैं उनको ये कहा जाता है कि आप दवाई छोड़ दो, सिर्फ प्रार्थना पे ध्यान दो। जो ऐसा कहता है वो बड़ा बेवकूफ आदमी है। हम कभी नहीं किसी को कहेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा कभी कभी पेट के लिए दाखरस काम में लाएगा। मतलब अगर कोई बीमार है तो वो कभी, हम उसको बोलते हैं कि नहीं आप हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराओ, और दुआ जरूरी है। दुआ भी जब जैसे प्रार्थनाएं जब हम करते हैं तो परमेश्वर काम करता है। मतलब कि हम किसी को ऐसा नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि जाओ। देखा आपने, अब आप अपनी राय दें कि एक बहन अपने आप पीछे गिर जाती है, इसका उल्लेखित कुछ नहीं है, बस परमेश्वर की महिमा है कि कोई अपने रोगों से, कोई अपनी परेशानियों से अगर चंगाई छुटकारा पाले तो वो सच्चा परिवर्तन है। वही धर्म परिवर्तन है, वही मजहब परिवर्तन है, वही देश परिवर्तन है, और वही शिक्षा है, वही अपने जीवन की एक अभिलाषा है, एक आस, एक उम्मीद है। समझ सकते हैं आप इस चीज़ को कि अगर आज हम जिन चीज़ों के बारे में नहीं जानते उसकी व्याख्या करते हैं, और जिसके बारे में हम जानते हैं उसे हम नहीं बताते। जैसे आज मोबाइल चलता है बिना तरंगों के, हम बात करते हैं, परंतु हम ये नहीं बता सकते कि वो तरंगे कहाँ से आती है। वो भी एक जादू है, परंतु वो जादू परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि परमेश्वर ने एक ऐसे भाई को तैयार किया जिसने मोबाइल का आविष्कार किया। उसी प्रकार प्रभु ने प्रॉफिट विजेंद्र जी को तैयार किया कि जो हमारे जीवन में तकलीफें हैं आप प्रभु यीशु का नाम लेकर छुटकारा पा सकते हो, परंतु आप अपनी क्षमा मांगना, पश्चाताप करना और गुनाहों से मुंह फेरना ही सबसे बड़ी क्षमा है, जो प्रॉफिट विजेंद्र जी अपनी प्रार्थना सभा में लोगों को हील करते हैं। परंतु वो साफ कहते हैं कि यहाँ पर कौन है, यीशु मसीह का। आपको पता है कि यीशु मसीह का नाम कोई झूठा नहीं ले सकता। कोई मज़हब, कोई भी व्यक्ति किसी का नाम झूठा लेकर कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आज मैं किसी धर्म को नीचा दिखाऊँ और मैं सोच चुके मैं आगे बढ़ जाऊंगा, नहीं, मैं अपने जीवन को खो दूंगा। मैं किसी को धोखा दूं और मैं आगे बढ़ जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई बहनों। वो सच्ची आराधना करते हैं, सच्ची प्रार्थना करते हैं। आप भी सच्ची प्रार्थना करें अपने आसपास के माहौल के लिए, आसपास के बीमार व्यक्तियों के लिए, वो भी ठीक हो जाएंगे। आप एक बार छुए यीशु के नाम से, आप देखेंगे कि वो चंगाई पाएगा, परंतु परमेश्वर के समय पर, अपने समय पे नहीं। वैसे ही सबका समय आता है, और परमेश्वर तैयार करता है हर एक जन को, हर एक व्यक्ति को पश्चाताप करने के लिए। तो सबको गॉड ब्लेस यू। इस मैसेज को फॉरवर्ड करना, सेंड करना, और परिवर्तन होते रहना यीशु के नाम में। आमीन।